Hi guys, welcome back to my channel, The Psych Pod. So today we are going to start with the part 2 of chapter Self and Personality. So in this video we'll talk about what is personality. Like in the last video we covered the term self. Now we'll focus on the second part of the chapter, that is personality. So let us first understand what is actually personality. So here the term personality is derived from a Latin word, persona. So persona basically means the mask used by actors in the Roman theater for changing their facial makeup. Roman theater mein jo hai, jaise ki hum jante hain, ek mask jo hai wo ek individual ka ke upar aata hai and uske facial expressions cover kar lete hain. So similarly that is personality. Personality hume ek individual ka outer look deti hai. So if we talk in layman terms, personality एक वो होती है जैसे हम किसी भी individual का physical या फिर external appearance देखते हैं. तो अगर हमें कोई एक individual बहुत good looking लगता है तो हम उसे दूर से उसकी personality देख के ये assume करते हैं कि okay, this person might be having very charming personality because हमें वो बहुत good looking लगता है. So this is what personality mainly external फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है. नाउ टॉकिंग अबाउट द साइकोलॉजिकल टर्म्स और डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी, इट सेज दैट पर्सनैलिटी रेफर्स टू अ कैरेक्टरिस्टिक वेज ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल्स एंड वेरियस सिचुएशंस. नाउ कमिंग फॉरवर्ड टू द फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी, नाउ दे आर मेनली 4 to 5 फीचर्स ऑफ पर्सनैलिटी विच इंक्लूड्स that it has both physical and psychological component. So personality में जो है physical component तो सबसे major होता ही है, but psychologically एक इंसान कैसा है, एक individual कैसा है, उसकी psychological feelings, emotion बहुत बड़ा role play करती है उसका physical nature portray करने में. Then second, its expression in terms of behavior is fairly unique in a given individual. जो भी एक एक इंडिविजुअल के एक्सप्रेशंस होते हैं, जो अंदर से आते हैं, इमोशंस होते हैं जो अंदर से आते हैं, वो हर एक इंडिविजुअल में यूनिक होता है. एंड व्हेन दे आर बीइंग पोर्ट्रेट ऑन द फिजिकल बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल, तो वो हर एक इंडिविजुअल को एक दूसरे से डिफरेंट पोर्ट्रे करता है. देन थर्ड कम्स एट इट्स मेन फीचर टू नॉट ईजिली चेंज विद टाइम. सो जो मेजर फीचर्स होते हैं हर एक इंडिविजुअल के, जो मेजर पार्ट्स होते हैं पर्सनालिटी के, वो कांस्टेंट रहते हैं एंड वो एट टाइम्स लाइक लाइफ लॉन्ग रहते हैं. एंड द लास्ट फीचर इज दैट इट इज़ डायनेमिक इन द सेंस दैट सम ऑफ इट्स फीचर मे चेंज ड्यू टू इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन डिमांड. दस पर्सनैलिटी इज अडेप्टेड टू द सिचुएशन. अब ऐसा नहीं है कि कुछ अगर कुछ पर्सनैलिटी ट्रीट्स जो हैं इंडिविजुअल की वो स्टिक रहेंगी, नहीं. जैसे जैसे इंडिविजुअल डिफरेंट सिचुएशंस में जाता है तो एवरी इंडिविजुअल गेट्स हैबिचुअल टू द सिचुएशन ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर इन विच ही इज. सो पर्सनैलिटी इज फ्लेक्सिबल एंड इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सम बेसिक अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी विच इंक्लूड्स ट्रेड अप्रोच, टाइप अप्रोच, psychodynamic approach, behavioral approach, cultural approach and humanistic approach. So aaj hum mainly focus karenge first approach pe, which is type approach. So ab type approach jo hai, they are mainly used to represent and communicate a set of expected behaviors based on similarities. Ab jo bhi एक इंडिविजुअल में सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस होते हैं उसके बेसिस पे बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस निकाले हैं टू डिफाइन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी. सो दे आर मेनी फेमस साइकोलॉजिस्ट हु हैव गिवन मेनी रिसर्चेस ऑन टाइप अप्रोच. सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट अ फेमस साइकोलॉजिस्ट, दैट इज़ शेल्डन. नाउ शेल्डन ने अपनी टाइप अप्रोच की थ्योरी निकाली है यूजिंग बॉडी बिल्ड एंड टेम्परमेंट ऑफ अ ह्यूमन. सो इन दोनों के बेसिस पे उन्होंने 3 बेसिक टाइप्स निकाले हैं ऑफ पर्सनैलिटी, विच इज़ एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. और जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, फर्स्ट टाइपोलॉजी इज
एंडोमॉर्फ्स. सो एंडोमॉर्फ्स आर सॉफ्ट फैट एंड राउंड. सो ये बेसिकली होते हैं जो थोड़े से प्लम्पी से लोग होते हैं, एंड बाय टेम्परामेंट ये जो है उनकी फिजिकल आउटबिल्ट हुई, एंड बाय टेम्परामेंट दे आर रिलैक्स एंड सोशलेबल. ये बहुत ही रिलैक्स नेचर के होते हैं, बहुत सोशल होते हैं, दे विल ईजिली इंगेज एंड मिंगल विद पीपल. नाउ कम्स मीजोमॉर्फ. सो द मीजोमॉर्फ्स आर स्ट्रॉन्ग मस्कुलर एंड आर रेक्टेंगुलर विथ अ स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्ट. ये काफ़ी मस्कुलर होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, जैसे कि बॉडी बिल्डर्स हो गए और बॉडी गार्ड्स हो गए. दे आर वेरी यू नो मस्कुलर इन देयर फिजीक एंड दे आर एनर्जेटिक एंड करेजियस. इनमें बहुत करेज होता है, ये लीडर लोग होते हैं. नाउ लास्ट कम्स द एक्टोमॉर्फ्स. नाउ दे आर लीन एंड थीन, लाइक दे आर लॉन्ग फ्रेजाइल थिन, बहुत स्लिम से पतले से होते हैं, एंड दे आर वेरी ब्रेनी आर्टिस्टिक एंड इंट्रोवर. अब ऐसा नहीं है कि जो अगर ये डिफरेंट, ये बस एक थ्योरी है शेल्डन की, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हाँ जो भी फिजिकल फिजिक होगा इंडिविजुअल का तो वो ऐसा 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 ही होगा. नो, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी. चीज़ें मिक्स भी हो सकती हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैन ऑल्सो गेट मिंगल्ड अप और मिक्सड अप, डिफरेंट लोगों में डिफरेंट हो सकती हैं और जेनेटिक भी हो सकती हैं, बट दिस इज जस्ट अ आउटलुक ऑफ अ थ्योरी गिवन बाय शेल्डन. नाउ और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि अ वेरी फेमस साइकोलॉजिस्ट दैट इज कार्ल यूंग हैज़ प्रपोज्ड अनदर इंपॉर्टेंट टाइपोलॉजी बाय ग्रुपिंग पीपल इनटू इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट. सो इंट्रोवर्ट्स एंड एक्सट्रोवर्ट हम डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं, एंड एज वी वुड नो दैट इंट्रोवर्ट्स वो होते हैं जो बहुत ही यू नो डिसाइल होते हैं, बहुत अपने आप में रहने वाले लोग होते हैं. मीन्स दे डोंट लाइक टू इंटरेक्ट मच विद पीपल, दे आर नॉट दैट सोशलेबल टू वर्ड्स अ सोसाइटी. They avoid others, withdraw themselves in face of emotional conflicts, and they are mostly shy. तो ये बहुत अंदर से दबे रहने वाले लोग होते हैं. Whereas extroverts होते हैं that they are very sociable, outgoing. They are drawn to occupation that allow dealing directly with people. वो बहुत ही leadership में बहुत आगे होते हैं. They are very open, they are very out front towards the society. So Carl Jung ने extroverts और introverts पे टाइप ऑफ पर्सनैलिटीज़ को डिफर किया है. नाउ कम्स अनदर टू मेजर साइकोलॉजिस्ट दैट इज़ फ्रेडमैन एंड रोजनमैन. सो दे हैव क्लासिफाइड टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फोर टाइप्स विच आर टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी एंड टाइप डी. सो नाउ टाइप ए पर्सनैलिटी सीम्स टू पजेस हाई मोटिवेशन, lack of patience and short of time. ये लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा हरी में होते हैं, हर चीज़ में जल्दीबाजी करते हैं, बहुत ज़्यादा यू नो हर चीज़ में इनको जल्दी जल्दी करने की आदत होती है, क्योंकि ये काम नहीं हुआ. फॉर एग्जांपल ऑफिस में अगर एक साथ बहुत सारा काम मिल गया है, बहुत सारे असाइन, या फिर कि स्कूल में बच्चे को बहुत सारा असाइनमेंट्स पाइल्ड अप हो गया, तो वो बहुत पैनिक करेंगे, जितना काम नहीं होगा उससे ज़्यादा पैनिक करेंगे. सो दीज आर लाइक टाइप ए पर्सनैलिटी पीपल, एंड दे ऑफन फील वेरी बर्डन विद वर्क. सो जो ऐसे टाइप ए पर्सनैलिटीज़ के लोग होते हैं, दे आर मोस्ट सस्पेक्टेबल टू द प्रॉब्लम्स लाइक हाइपरटेंशन और कोरोनरी हार्ट डिजीज़, विच इज़ ऑल्सो नोन एज CHD. सो कोरोनरी हार्ट डिजीज़ की वजह से इन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होती हैं दैट दे माइट सफर फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स और इवन स्मोकिंग. तो यू नो दे हैव चांसेस ऑफ हैविंग मैनी बीमार होने के, या काफ़ी ज़्यादा ऐसी डिफिशेंसीज होने के काफ़ी चांसेस होते हैं इन लोगों को. नाउ कम्स टाइप बी पर्सनैलिटी विच इज एब्सोल्यूटली ऑपोजिट ऑफ टाइप ए ट्रेड्स. मीन्स जो जो टाइप ए ट्रेड्स होती हैं वो इनमें एग्जैक्टली ऑपोजिट होती हैं, लाइक दे आर नॉट दैट शॉर्ट टेम्पर, वो हर चीज़ में जल्दी नहीं करते, दे आर क्वाइट लेजी. सो ऐसे होते हैं. नाउ कमिंग टू टाइप सी पर्सनैलिटी. नाउ टाइप सी पर्सनैलिटी इंक्लूड्स पीपल हु आर मेनली प्रोन टू कैंसर. An individual's characteristic by this personality are cooperative, unassertive and patient. So ये लोग जो होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा patient होते हैं, they are prone to cancer. So which is a sort of a threat to their life. So now coming to they are quite
प्रोन टू एंगर ऑल्सो, मीन्स ये जो है काफ़ी बार एंगर इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ सकता है. सो दिस इज देयर वीक पॉइंट. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी इज टाइप डी पर्सनैलिटी. टाइप डी पर्सनैलिटी हैज सजेस्टेड विच इज़ कैरेक्टराइज बाय प्रोननेस टू डिप्रेशन. सो जो टाइप डी पर्सनैलिटी पे फॉल करते हैं दे आर क्वाइट दे फील लोनली वेरी इजीली. वो बहुत जल्दी अपने आप को बहुत लोनली फील करने लगते हैं, सबसे बहुत ज़्यादा सेक्लूडेड रहते हैं, ड्यू टू विच दे आर ऑलवेज प्रोन टू डिप्रेशन. वो बहुत जल्दी छोटी छोटी बातों पर बुरा मान के वो डिप्रेशन में जा सकते हैं, उनको बहुत छोटी सी बात का बुरा लग जाता है. सो दिस इज़ वॉट इज़ टाइप डी पर्सनैलिटी. सो दिस इज इट फॉर दिस video. Now we'll just have a quick summary what all we did in this video. First was what is personality. हमने पढ़ा कि personality actually होती क्या है and how it is actually derived. Then second was the major features of personality, that was that it is both physical and psychological component and it is not always permanent. अडेप्टिव होती है पर्सनैलिटी हर इंडिविजुअल की, इन्वायरमेंटल सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है. देन वी स्टडीड द अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी विच इंक्लूडेड मैनी अप्रोचेस, डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस लाइक साइकोडाइनमिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, दैन वी केम अक्रॉस स्ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच. एंड आज हमने बेसिकली फोकस किया था टाइप अप्रोच में. सो टाइप अप्रोच इज दैट कैसे डिफरेंट टाइप्स से डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट पर्सनैलिटी को डिफर करते हैं, एक दूसरे से अलग करते हैं इंडिविजुअल्स को. सो हमने बेसिकली आज हमने तीन साइकोलॉजिस्ट की थ्योरीज पढ़ी टाइप अप्रोच में. दैट वाज वन वाज गिवन बाय शेल्डन. ही मेनली फोकस्ड ऑन द बॉडी बिल्डिंग टेम्परामेंट ऑफ द पर्सनैलिटी, जिसमें उन्होंने तीन कैटेगरीज डिफाइन की, दैट वाज एंडोमॉर्फिक, मीजोमॉर्फिक एंड एक्टोमॉर्फिक. देन वी केम अक्रॉस थ्योरी गिवन बाय कार्ल यूंग. ही डिफ्रेंशिएटेड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ एक्सट्रोवर्ट्स एंड इंट्रोवर्ट्स. एंड द लास्ट थ्योरी वॉज गिवन बाय फ्रेडमैन एंड रोजमैन, हु डिफ्रेंशिएटेड मेनली फोर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी, दैट वॉज टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी एंड टाइप डी. सो आई होप दीज टाइप्स वर क्लियर टू यू बाय दिस वीडियो. In the next video, we'll talk about trait approach. Thank you.